आखिरकार पाकिस्तान की एआर मिसाइलें काम नहीं कर पाई और ड्रोन से होने वाली बड़ी कार्रवाई फेल हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने दक्षिण चीन सागर में चीन के उस दुश्मन को फिर से खड़ा कर दिया है जिससे चीन बेहद डरता है। और अचानक से भारतीय रक्षा मंत्री दक्षिण चीन सागर के इस खास देश के पास पहुँच रहे हैं। ब्रह्मोस को लेकर बड़ा ऐलान किया भारत ने। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भले ही ऊपर से चीन ये दिखला रहा हो कि हम काफी शक्तिशाली हैं, हमारे पास बहुत बड़ी नौसेना है, हमारे पास बहुत बड़ी थल सेना है, करीब 23 लाख लोग हैं सैनिक, यानी एक इतनी बड़ी संख्या जिससे कि कोई भी डरे, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वियतनाम से ही लास्ट लड़ाई लड़ी थी चीन ने और वियतनाम ने बुरी तरीके से धोया था। और इतना ही नहीं, चीनी सैनिक वियतनाम के जंगलों में भटकने लगे थे। वियतनाम ने ऐसा सबक सिखाया था कि आज तक चीन वियतनाम से सीधी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है। तो वहीं भारतीय फ्रंट की बात करें तो भारत के सैनिकों के साथ भिड़ने की कोशिश अब बिल्कुल भी चीन सीधे तौर पर नहीं करना चाहता है। हथियारों का डर दिखा रहा है, रोबोट्स का डर दिखा रहा है कि हमने यहाँ पर मशीनें तैनात कर दी हैं, अब हमारे जवान नहीं मशीनें लड़ेंगे तुमसे। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि पिछले एक साल में चीन ने अपने 15 कमांडर बदले हैं हमारे सीमा से। अब 15 कमांडर में से बहुत सारे तो ऊपर भी चले गए हैं या हेल्थ इशू के शिकार हो गए हैं। सैनिक उनके जा नहीं सकते हैं, सैनिक उनके ज्यादा देर तक खड़े रह नहीं सकते हैं, बार बार फ्रंट रो चीन बदलता है। ऐसे में इन रोबोट्स आर्मी की डर दिखा रहा हो। खैर, भारत के साथ और अमेरिका के साथ ही पंगे नहीं ले रहा है चीन, बल्कि दक्षिण चीन सागर में तो छोटे छोटे जितने देश हैं उन सब से पंगे ले रहा है। अब चीन के लिए मुसीबत ये हो गई है कि चीन ने सांप छछुंदर वाला हाल हो गया है। चीन ने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी है भारत के साथ पंगे लेकर। भारत पहले एक तो वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता था, अब भारत उस पॉलिसी पर ढुलमुल नजर आ रहा है, ना तो हाँ बोल रहा है ना तो ना बोल रहा है, ताइवान के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पहले चीन और भारत में करार थी कि ये करार भले एक पेपर पे करार न हो, लेकिन दोनों के रिश्ते ठीक ठाक थे, इस लेकर ये करार थी कि चीन के जो भी पड़ोसी होंगे उन पड़ोसियों को भारत कोई घातक हथियार नहीं देगा। अब यहाँ पर भारत ने सब कुछ तोड़ते हुए सबसे पहला तो करार अब साइन करने जा रहा है फिलीपींस के साथ, वो भी ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर। और बड़ी बात ये देखिए, रूस भी भारत को रोक नहीं रहा है। फिलीपींस जहाँ अपने बजट में 2.8 बिलियन डॉलर दे रहा है सिर्फ ब्रह्मोस को, मतलब कि डील बिल्कुल फाइनल स्टेज में है। तो वहीं दूसरी तरफ अब वियतनाम को भी भारत ब्रह्मोस मिसाइलों को बेच रहा है, और इसके लिए खास तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम पहुंच रहे हैं। अब आप सोचेंगे वियतनाम से तो डरता है चीन, फिर वियतनाम से पंगे नहीं लेगा? तो अभी हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं कि ये जो चीनी सैनिक है वियतनाम के आम मजदूरों पर पत्थर मार रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, क्योंकि ये अपनी साइड जो बॉर्डर है वहाँ ये पत्थर की सीलिंग वगैरह कर रहे हैं, अपनी तरफ पुल वगैरह बना रहे हैं, बॉर्डर वगैरह बना रहे हैं। तो खैर, चीनी सैनिक कभी यहाँ गोली चलाने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन वियतनाम के कई क्षेत्रों पर अपना दावा जरूर बोलते हैं। और वियतनाम को ऐसा लगता है कि अगर ताइवान के साथ युद्ध शुरू होता है तो इस क्षेत्र में चीन को अगर बढ़त मिल जाती है तो फिर वियतनाम हो या फिलीपींस हो, किसी को भी चीन छोड़ने वाला है नहीं। ताइवान युद्ध का इस्तेमाल चीन ऐसे करेगा कि एक बार में अपने सारे दुश्मनों को यहाँ पर पस्त कर दे, अगर सफल होता चला जाता है तो। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर इस क्षेत्र में ताइवान युद्ध होता है वो युद्ध एक बड़ा रूप लेगा, और उस युद्ध में वियतनाम भी कूदेगा, फिलीपींस भी कूदेगा, जापान भी कूदेगा और अमेरिका भी कूदेगा। अब भारत का रोल ये रह गया है कि भारत ने इन देशों को खास खास हथियार पकड़ाना शुरू कर दिया है, मतलब कि चीन से अगर भारत सीधी लड़ाई नहीं भी लड़ता है तो भी चीन के लिए भारत ने खतरा पैदा करना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से भारत को घेरने की कोशिश चीन कर रहा था, अब भारत उसके दुश्मनों से उस पर वार करवाएगा, और वो भी खास खास हथियारों से। और मजे की बात यह है कि इस युद्ध में भारत का खर्चा भी नहीं होने वाला है, बल्कि जैसे जैसे ये युद्ध भड़केगा भारत को और फायदा
होगा और ब्रह्मोस की मांग बढ़ेगी। चीन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है भारत से पंगे लेकर। तो वहीं भारत के दूसरे दुश्मन की बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पर तो हंसी आती है। पहली बात तो ये है कि जिन जिन देशों को अपने हथियारों की बेइज्जती करानी है उन्हें अपने हथियार सौंप देने चाहिए पाकिस्तान को। अब जैसे कि अमेरिका ने PNS गाजी दिया था जो सबमरीन थी और भारत के नौसेना ने उसे उड़ा दिया, जबकि अपने समय की PNS गाजी बहुत ही ताकतवर सबमरीन थी। अमेरिका ने F-16 विमान दिया तो भारत के अभिनंदन ने उसे उड़ा दिया और वो भी मिग विमान से, जिसके बाद अमेरिका की किरकिरी भी होने लगी। लेकिन आखिरकार अब अमेरिका ने इसकी पुष्टि भी कर दी कि हाँ भारत ने इसे मारकर गिरा दिया और वजह ये थी कि F-16 चलाने वाला बंदा सही नहीं था। यानी पायलट के हाथ में बहुत कुछ होता है लेकिन वो पायलट कुछ कर नहीं पाया और अभिनंदन की जो क्वालिटी है और एक्सपीरियंस है वो भारी पड़ गया उस पायलट पर। तो खैर अब पायलट का दोष हो या ना हो F-16 तो गया। ऐसे ही एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी अमेरिका ने दिया था पाकिस्तान को लेकिन वो भी बर्बाद हो गया था। ऐसे ही एक टैंक भी दिया था पाकिस्तान को अमेरिका ने लेकिन वो भी तबाह हो गया था भारत के राजपूताना राइफल्स की तरफ से, भारत की सेना ने। अब इन सब में इन हथियारों का दोष तो नहीं था लेकिन अब जो किया है चीन ने, चीन को कहते हैं अगर दुश्मन न हो तो ऐसा दोस्त पाल लो जिसने ऐसे हथियार लिए जो AR मिसाइलें पाकिस्तान ने इस्तेमाल कर ली और ये इस्तेमाल की चीन के जो ड्रोन है उसमें लगाकर। चीन का ड्रोन सही निशाने पर उड़ा, सही निशाना भी लगाया लेकिन जब ये मिसाइलें दागी गई ये मिसाइलें फटी ही नहीं। और किस पर दागा था पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने दागा था अफगानिस्तान के अंदर जो तहरीके तालिबान है, अब उस पे दागा गया। ये मिसाइल फटा नहीं और वो बुरी तरीके से बौखला गए हैं। बौखलाहट में अब जो ये फैंस का बाढ़ का झगड़ा शुरू हुआ है पाकिस्तान और तालिबान के बीच ये भयानक रूप लेता जा रहा है। न सिर्फ जितने बाढ़ लगे थे उसे उखाड़ कर तालिबान ने फेंक दिया है बल्कि अब TTP भी पूरे समर्थन वाले मोड में आ गई है। दोनों के बीच फिर से टेंशन शुरू हो गया है और अब तो जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी है उसने खुद स्वीकार कर लिया है कि हाँ तालिबान और पाकिस्तान के बीच सब कुछ सही नहीं है, कुछ चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं और बड़ा रूप ले रही हैं, इसे जल्द संभालना होगा। खैर पाकिस्तान इकोनॉमी से, चीन से, चीन के हथियारों से और TTP से खुद ही परेशान है, अब इसका क्या होगा? वैसे आपको क्या लगता है, भारत की रणनीति बिल्कुल सही है वियतनाम फिलीपींस के लिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।